India. Monday to Friday, back-to-back classes, live from studio. आज ही सब्सक्राइब करें Wi-Fi Study Channel को. Hello, good morning. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाई फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग. स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाई फाई स्टडी में, विच इज पार्ट ऑफ एन अकेडमी ग्रुप. फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया. तो आज जो 5 मिनट की देरी, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ. चलिए देखिए, आज हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं. कल हम लोगों ने जो डिस्कस करा था वो क्या बात करी थी कि लैथ मशीन की आज हम लोग बात करेंगे. क्लियर? तो लैथ मशीन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं. पहले इधर थोड़ा सा आप लोग देखेंगे लैथ मशीन के बारे में, क्या है लैथ मशीन, कैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या टाइप्स होते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको वन बाय वन सारे पॉइंट आपको मैं बता दूंगा. देखेंगे तो ये क्या है अपनी लैथ मशीन. हो गया पूरा? बताइए और क्या पढ़ना बाकी इसमें. ठीक है, तो लैथ मशीन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं. तो सारे डायग्राम वगैरह सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे कि हेड स्ट्रोक क्या होता है, टेल स्ट्रोक क्या होता है, लीड स्क्रू क्या होता है, बेड क्या होता है, चक क्या होता है, टूल पोस्ट क्या होता है, कंपाउंड है, टेल स्ट्रोक, सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे. देखो पहले तो देखो मैं आप लोगों को यहीं पर थोड़ी चीज़ें बता दूँ, फिर आपको एक एक पॉइंट लिखवाऊंगा, डिफरेंट डिफरेंट आपको डायग्राम दिखाऊंगा. आपके एक ही डायग्राम नहीं हूँ, सारे डायग्राम हैं, आपके टेंशन मत लीजिए. ठीक है, सारे डायग्राम हैं जिससे आप लोगों को बिल्कुल इजीली क्लियर हो जाए. और फिर इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट के, हेड स्ट्रोक क्या होता है, ये चक क्या होता है. क्लियर? इसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि ये आपका बेड क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे कि आपका ये जो टेल स्ट्रोक होता है वो क्या होता है, ये वेस क्या होता है. क्लियर? बताइए ये आपका क्या होता है, बता सकते हो? कैरीज होता है ये, या आपका क्या होता है, टूल पोस्ट होता है, टूल पोस्ट के बाद में ये आपका क्या होता है, क्रॉस स्लाइड होता है, क्रॉस स्लाइड के बाद में ये आपका क्या है, लीड स्क्रू है, ये आपका लीड स्क्रू है. तो सारी चीज़ मैं आपको डायग्राम से बता दूंगा, टेंशन लेने की आपको बात ही नहीं है. देखो तो चीज़ें स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर ही पार्ट्स बता दूँ, फिर एक एक पार्ट्स के बारे में बता दूंगा किस चीज़ का बना होता है, क्या इसका काम होता है, किधर ये लगा होता है. देखो आप लोग मुझे एक चीज़ बताइए, क्या आप लोगों को यहाँ पर बेड दिख रहा है क्या? बेड, देखो ये जो पार्ट है ना, इसको हम लोग बोलते हैं बेड. ये जो पूरा ये पार्ट है ना, पूरा पार्ट क्या आपका बेड है, ये पूरा पार्ट क्या बेड है. मतलब ये जो बेड दिखा है ना, जो भी आपके टूल पोस्ट, ये जो सारी चीजें बेड के ऊपर माउंट होती है, इस बेड के ऊपर ही आपका एक तरह से देखे तो पूरा स्ट्रक्चर किसके ऊपर है, बेड के ऊपर. जैसे हम लोग बेड के ऊपर सोते हैं ना, तो पूरा मान लो जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है किसके ऊपर है, बेड के ऊपर है पूरा का पूरा, है ना. जैसे दूसरे डायग्राम में आपको मैं बताऊं जिससे इजीली आपको समझ में आए. देखो यहाँ से थोड़ा सा एक बार समझना, फिर एक एक पॉइंट लिखवाऊंगा. देखिए ये आपको दिख रहा है क्या, आप लोग मुझे बताइए, कॉलेज में प्रैक्टिकल तो करा होगा आप लोगों ने. तो ये दिख रहा है ये जो नीचे वाला पार्ट इस डायग्राम में, देखो यहाँ से ये बेड दिख रहा है, ये नीचे वाला पार्ट, ये पूरा क्या है, ये आपका बेड है. तो मतलब अगर मैं देखूँ ये दिख रहा है क्या बेड, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बेड देखेंगे. लिख रखा है ना ये बेड, ये क्या है आपका बेड, ये पूरा वाला पार्ट क्या आपका बेड है. तो अगर देखूँ मैं पूरा का पूरा स्ट्रक्चर किस पे, बेड पे. चीज़ें क्लियर है? आपको इसके लेफ्ट हैंड में दिख रहा होगा ये क्या होता है आपका, ये पूरा का पूरा जो पार्ट है ये क्या होता है आपका, हेड स्ट्रोक होता है. सारे पॉइंट लिखवाऊंगा लेकिन एक बार मैं ओवरव्यू देता हूं, आपको टेंशन मत लो आप लोग. हेड स्ट्रोक, क्लियर? इस हेड स्ट्रोक में क्या लगा होता है जल्दी से मुझे बताइए. आपका जो हेड स्ट्रोक है ना, इसमें होता है आपका चक. इधर क्या होता है आपका, चक होता है. चक का काम क्या होता है, चक आपका घूमता है, और चक के अंदर क्या रहता है आपका, वर्क पीस रहता है. चक पीस जो चक होता है वो क्या पकड़ के रखता है, वर्क पीस को होल्ड करके रखता है. बात समझ में आ गई? इधर देखिए ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ना, ये होता है आपका टेल स्ट्रोक. राइट हैंड में जो है ये आपको क्या दिख रहा है, पूरा का पूरा क्या है, टेल स्ट्रोक. देखो टेल स्ट्रोक का एक काम क्या है, यहां पर आपको एक थोड़ा सा टूल जैसा कुछ दिख रहा होगा, हालांकि टूल नहीं है. इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं डेड सेंटर. क्यों? इसका काम क्या होता है, जैसे मान लो कोई बहुत बड़ा वर्क पीस है, बहुत बड़ा अपने पास में वर्क पीस है, रॉड है. क्लियर? तो उसका एक एंड तो हम लोग यहां पर रखते हैं और एक एंड हम लोग यहां पर रखते हैं, जस्ट सपोर्ट प्रोवाइड करता है जिससे कोई बेंडिंग नहीं हो, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो. क्लियर? तो इसका काम क्या है, टेल स्ट्रोक का, ये डेड सेंटर का काम क्या है, चीज़ें मैंने बताया. आप मुझे एक छोटी चीज मुझे बताइए, क्या ये आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा क्या कैरिज, ये पूरा का पूरा क्या कैरिज, ये कैरिज ऐसे ऐसे चलता है. इस कैरिज के ऊपर लगा होता है टूल पोस्ट, ये टूल पोस्ट है. टूल पोस्ट के अंदर क्या होता है आपका, टूल फिक्स होता है.
सारी चीजें मैं बताऊंगा, टेंशन मतलब भी आपको लग रहा होगा। इधर लगा होता है आपके क्रॉस स्लाइड, क्रॉस स्लाइड क्या होता है आपके ऊपर, ये मतलब ऐसे ऐसे मूव करता है, क्रॉस स्लाइड क्या होता है ऊपर, जैसे कोई आपका वर्क पीस हो उसमें ज्यादा डेप्थ तक पेनिट्रेट करना हो तो क्रॉस स्लाइड से हम लोग उसको आगे पीछे करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर नीचे का आप लोग दिखाई दे रहा होगा, क्लियर। दूसरे डायग्राम में बताता हूं जिससे मैं आपको पॉइंट्स दिखाऊं तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। देखो ये एक दूसरा डायग्राम है, क्या आप मुझे बताइए जो मैंने बेड बताया वो बेड दिख रहा है कि आपको बेड, ये आपका क्या बेड है, ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो किस पे है, ये बेड पे है, ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है किस पे, बेड पे, बेड पे, ठीक है। इस बेड में क्या क्या होता है, ये दिख रहा है ना, ये जो लेफ्ट हैंड वाला पार्ट है ये आपका पूरा क्या है, ये हेड स्टॉक है, और ये जो आपको राइट हैंड वाला पार्ट दिख रहा है, ये जो राइट हैंड वाला, अच्छा इस पे शो नहीं करोगा, चलो कोई बात नहीं। देखो ये जो पूरा पार्ट है, ये जो पूरा पार्ट है ये कैरिज है, ये क्या कैरी होता रहेगा, इस कैरिज के ऊपर, ये जो कैरी है ना, ये कैरिज बोलते हैं इसको पूरे को, पूरे क्या बोलते हैं, कैरिज बोलते हैं। तो कैरिज कभी इधर आएगा, कभी इधर आएगा, कभी इधर आएगा, जो कैरिज जिस पे चलता है इसको ऊपर बोलते हैं, जो ऊपर ये पटरियां दिख रही है, तो पटरियां इसको हम लोग बोलते हैं वेज। दिखाऊं, वेज दिखाऊं आपको, ये जो कैरिज हो ना इस पे चलता है इस पे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेज बोलते हैं। पटरी जैसे दिख रही है, पटरी जैसी, रेल की पटरी जैसी, ये वेज, क्लियर। देखो ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था ये लेफ्ट वाला क्या होता है, हेड स्ट्रोक होता है। इस हेड स्ट्रोक में क्या लगा होता है, चक लगा होता है, मैंने बताया था ना। अब इस चक में क्या होता है, आपका वर्क पीस होता है, आपका वर्क पीस होता है। अगर ये वर्क पीस आपका बहुत बड़ा है तो हम लोग इसका जो एक एंड है टेल स्ट्रोक में लगा देते हैं, जिससे ये क्या हो जाए, इसमें बेंडिंग नहीं हो। चीजें क्लियर है क्या, बस इतनी चीज बताओ। ये आपका जो नीचे वाला पार्ट दिख रहा है ना, पूरा क्या है आपका बेड है, ये पूरा क्या है आपका बेड है, ये नीचे वाला जो पूरा पार्ट है बेड है, इसके ऊपर ये पूरा का पूरा क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। ये जो दिख रहा है ये क्या होता है, कैरिज होता है। कैरिज क्या होता है, ये जो लेफ्ट चलेगा राइट चलेगा, लेफ्ट चलेगा राइट चलेगा, चीजें क्लियर है क्या। इस कैरिज के ऊपर क्या होता है, टूल पोस्ट लगा होता है जिसमें हम लोग टूल को फिक्स करते हैं, और इस कैरिज के ऊपर ही एक स्लाइड और लगा होता है जिसको बोलते हैं क्रॉस स्लाइड, जो आगे पीछे मूव करती रहती है। अभी सारे पॉइंट्स लिखवाऊंगा, आपको थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूं आपको, क्लियर। अरे चीजें क्लियर है, एक बार थम्स अप करो, थोड़ा सा डायग्राम, ये आपका क्या है, चलो मुझे बताओ। ये आपको मैंने हेड स्ट्रोक बताया, तो पूरा का पूरा मशीन छोड़ो, हेड स्ट्रोक क्या है, जो पार्ट मैंने हाईलाइट कर रखा है पूरा का। ठीक है, तो देखिए ये पूरा मैंने ब्लर कर रखा है, ये जो वाला पार्ट है ये क्या है आपका हेड स्ट्रोक है। हेड स्ट्रोक में क्या है आपका चक लगा होता है, चक में क्या होता है, वर्क पीस फिक्स होता है। चीजें क्लियर है क्या, ये हेड स्ट्रोक वाली बात है। अब ये चक क्या होता है, ये आपको चक दिख रहा है, तो चक आपके दो तीन तरीके के होते हैं। एक तो होता है थ्री जो चक, जिसमें तीन जगह से क्या होता है फिक्स होता है, एक होता है फोर जो चक। चीजें भी सारे पॉइंट लिखवाऊंगा। इसके बाद में क्या, ये आपका टेल स्ट्रोक होता है। टेल स्ट्रोक में इस पॉइंट को क्या नाम दिया, भी डेड सेंटर दिया या नहीं दिया, तो चलो एक एक पॉइंट लिखवाए, सारे पॉइंट बताओ, जीरो से स्टार्ट करें। ये आपका पूरा का पूरा क्या कैरिज है, ये पूरा का पूरा क्या कैरिज है, इसके ऊपर जो लगा होता है टूल पोस्ट होता है, और ये इधर उधर भी जा सकता है, किसके थ्रू, क्रॉस स्लाइड के थ्रू, क्लियर। ये आपका टूल पोस्ट होता है, इसमें हम लोग टूल ऐसे लगाते हैं, ये आपका क्या टूल पोस्ट है, ये आपका टूल ऐसे फिक्स कर देता है, ये पूरा का पूरा क्या टूल पोस्ट है, बताओ। ये क्या है, मैंने आपको बताया क्रॉस स्लाइड, ये ऐसे आगे पीछे ऐसे जा सकता है। सारे पॉइंट लिखूंगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ये आपका क्या है, पूरा का पूरा मैंने आपको बताया कैरिज है, और ये लीड स्क्रू, अभी सारे पॉइंट पे हम लोग बताएंगे। तो एक बार आपको डायग्राम से ओवरव्यू मिल गया कि कौन कहां पर है, कहां मैं बोलूं स्पिंडल, ये आपका हेड स्ट्रोक लेफ्ट में होता है, टेल स्ट्रोक राइट में होता है, फिर आप लोग बोलते रहो, ठीक है। मैं बोलूं का हेड स्ट्रोक राइट में होता है, ये तो आप लोग करते रहोगे कहां पर होता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैं जो पहला पार्ट स्टार्ट कर रहा हूं, कहां से कर रहा हूं, मैं स्टार्ट कर रहा हूं बेस से, क्लियर। चीजें क्लियर है, चलिए स्टार्ट करें, एक एक पार्ट से स्टार्ट करेंगे। तो पहले पार्ट के बारे में आप हेडिंग डालेंगे, पहला पार्ट में बता रहा हूं हेड स्ट्रोक क्या होता है, आप लोग ध्यान से समझेंगे, सारे पॉइंट आप लोग लिखते रहेंगे, मैं एक एक पॉइंट आपको सारी चीज लिखवा दूंगा। तो पहला पॉइंट क्या है, हेड स्ट्रोक, जो पहला पॉइंट है हेड स्ट्रोक, आप लोग मुझे बताइए हेड स्ट्रोक कहां होता है, लेफ्ट में होता है राइट में होता है, बताइए। तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या हेड स्ट्रोक कहां पर होता है, जनरली इंस्टॉल्ड ऑन लेफ्ट साइड, बताइए पहला पॉइंट सही है क्या, जो आपको मैंने बताया डायग्राम में बताया था हेड स्ट्रोक कहां पर है, जनरली कहां पर होता है आपके लेफ्ट साइड में होता है। ध्यान रखेंगे जो आपका हेड स्ट्रोक होता है ना, जो मैंने डायग्राम में बताया, ये जो आपको मैंने डायग्राम बताया ना, ये आपको देखें,
ये जो हेड स्ट्रोक दिख रहा है ना, इसके अंदर इसको खोल के देखोगे ना, इसके खोल के अंदर देखोगे तो इसमें डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, गियर्स लगे होते हैं, डिफरेंट टाइप की पुलिस होती है इसके अंदर, पुलिस, ठीक है। इस हेड स्ट्रोक के अंदर क्या होती है, डिफरेंट टाइप के गियर्स होते हैं, अंदर पुली देखोगे घिरनी लगी रहती है अंदर, इसको पूरा प्लेट उठा के देखोगे ना तो गियर लगे होते हैं, पुलिया लगे होती है, क्लियर। तो चलो इसको मैं पॉइंट को लिख देता हूं, क्या पहला पॉइंट लिख देता हूं, हेड स्ट्रोक क्या होता है, जनरली इंस्टॉल्ड ऑन लेफ्ट साइड हैविंग गियर्स एंड पुलिस। बताओ चीज सही है क्या, इसलिए आपको डायग्राम लेके आऊं जिससे आप लोगों को थोड़ा इमेजिन करने में थोड़ा प्रॉब्लम नहीं हो, क्लियर। ध्यान रखेंगे जो हेड स्ट्रोक बना होता है किसका बना होता है, मेड ऑफ कास्ट आयरन, कास्ट आयरन का ये बना होता है, मेड ऑफ कास्ट आयरन, पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट क्लियर है क्या, मैंने आपको क्या बोला है किससे बना होता है, कास्ट आयरन से बना होता है। ध्यान से रखेंगे जो आपका हेड स्ट्रोक होता है ना, इससे हम लोग क्या अटैच करते हैं, इससे हम लोग अटैच करते हैं चक। तो ध्यान रखेंगे चक किससे अटैच होता है, हेड स्ट्रोक से, तो चक इज अटैच्ड टू हेड स्ट्रोक, ठीक है। और चक का काम क्या होता है, चक का काम क्या होता है, टू होल्ड द वर्कपीस, वर्कपीस को होल्ड करने के लिए, वर्कपीस को पकड़ने के लिए, ठीक है। तो या मैं बोल सकता हूं जो देखो चक घूमेगा तो वर्कपीस भी घूमेगा ना, तो चक का काम क्या होता है, चक प्रोवाइड्स रोटेशन मोशन टू वर्कपीस। ये चीजें क्लियर है क्या, ये पॉइंट क्लियर है, हेड स्ट्रोक की बात हो गई क्या, सभी थम्सअप कर दीजिए, आगे चले क्या, अरे थम्सअप आप लोग कर देंगे, आगे चले। बताइए चले आगे, थम्सअप आप लोग कर देंगे। अब इस चक के बारे में मैं दो पॉइंट और लिख देता हूं, देखो क्या लिख देता हूं, हेडिंग आप लोग डाल लीजिए, पॉइंट डाल के चक। तो चक आपका क्या होता है, चक यूज फॉर होल्ड द वर्क पीस, यूज फॉर होल्ड द वर्क पीस। अगर मैं टाइप्स ऑफ चक की बात करूं, तो चक आपके कितने टाइप के होते हैं, देखो थ्री जॉ चक जो अभी मैंने आपको बताया, थ्री जॉ चक, ठीक है। और एक होता है आपके फोर जॉ चक। देखो एक चीज याद रखेंगे, थ्री जॉ चक को हम लोग यूनिवर्सल चक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल चक भी बोलते हैं। कारण क्या है इसका यूनिवर्सल चक बोलने का, देखो कारण क्या है, देखो जैसा कि मैंने आपको बताया थ्री जॉ चक, जैसे मैंने आपको बताया ना, देखो ये आपका थ्री जॉ चक, इसमें क्या होगा, यदि आप लोग एक टाइट करोगे तो दोनों ये तीनों क्या होंगे, एक साइड टाइट होंगे, तीनों क्या होंगे, एक साइड टाइट होंगे। ध्यान रखेंगे थ्री जो चक में क्या होता है, अगर एक को आप लोग टाइट करोगे तीनों अपने आप, ये दोनों भी क्या होंगे, साइमल्टेनियसली अपने आप टाइट होंगे। तो चक कितने टाइप के होते हैं, मैंने बताया थ्री जो चक भी होता है, फोर जो चक भी होता है। हेड स्ट्रोक के बाद में जो बात आती है किसकी होती है, बेड की बात कर ले, बेड के पॉइंट से कहता हूँ, ठीक है। तो हेडिंग आप लोग डाल लेंगे बेड। तो देखो बेड मैंने आपको बताया जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होता है किस पे होता है, आपका माउंटेड होता है बेड पे होता है। तो बेड आपका क्या होता है, मैं आपको बोल सकता हूँ कि एक बेस है, बताओ जहां पर जितने भी पार्ट्स है इस पे माउंटेड होते हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूं, पहला पॉइंट इसमें बेस, वेयर ऑल पार्ट्स आर माउंटेड। बेड पे क्या होते हैं, जो सारे पार्ट्स होते हैं, पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर होता है किस पे होता है, बेस पे होता है, क्लियर। आप देखेंगे ये किसका बना होता है, ये भी आपका कास्ट आयरन का बना होता है, मेड ऑफ कास्ट आयरन। क्यों, इस कास्ट आयरन में ऐसी क्या खास बात है, देखो आपको पता है जो बेड है, बेड के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर है, बेड आपका क्या एक बेस है, इसके ऊपर में क्या बहुत सारे पार्ट्स है, तो उन पार्ट्स का क्या कुछ वजन होगा, क्या कुछ वेट होगा क्या, तो इस पे तो आएगा बेड पे। तो बेड कास्ट आयरन से बनाया जाता है, क्यों, क्योंकि कास्ट आयरन की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है ना, ये ज्यादा कंप्रेसिव नेचर का जो स्ट्रेस है वो सहन कर सकता है। तो मेड ऑफ कास्ट आयरन, यानी कास्ट आयरन क्या है, इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है ना अच्छी होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हाई। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्लियर है, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, बेड की बात कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट हम लोग क्या डालेंगे कि जो बेड आपका बना होता है ना, ये बेड किसका बना होता है, कैसे बना होता है, कास्ट आयरन से बना होता है, सॉरी किसका बना होता है, कास्ट आयरन का। और कैसे बनाया जाता है, तो बेड है ना, बेड इज मेड बाय कास्टिंग, ये कास्टिंग से बनाया जाता है, कास्टिंग जो प्रोसेस होता है ना उससे बनाया जाता है, मेड इज मेड बाय कास्टिंग।
चीजें क्लियर है क्या? बताओ थम्स अप करो, आगे चले, मिटान दो इसको, मतलब आगे स्लाइड पे चले। तो अब जो नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं, हेड स्ट्रोक की बात कर ली है, बेड की बात कर लिया, अब जो नेक्स्ट बात करते हैं किसकी बात करते हैं, टेल स्ट्रोक की करते हैं। चीजें क्लियर है? तो तीनों पॉइंट आप लोग नोट कर लेंगे, पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा, परेशान होने की बिल्कुल आप लोगों को बात नहीं है, ठीक है? तो नेक्स्ट पॉइंट आप लोग डालेंगे टेल स्ट्रोक, टेल स्ट्रोक। बताइए, देखो एक चीज मुझे बताओ, क्या टेल स्ट्रोक राइट में होता है? क्या भी बताता है कि राइट में होता है? तो लिख दूं क्या, इट इज प्लेस्ड एट, इट इज प्लेस्ड एट राइट साइड। और ये कहां पर होता है टेल स्ट्रोक, किसके ऊपर होता है? क्या टेल स्ट्रोक बेड के ऊपर होता है क्या? बताइए। तो लिख दूं इट इज सिचुएटेड ऑन बेड। आप लोग मुझे खुद बताइए तीसरा पॉइंट क्या लिखूं, खुद दिमाग लगा के बताइए। मैंने देखो सारे डायग्राम आपको बता चुका हूं, अगर खुद आप लोग समझोगे तभी चीजें क्लियर होगी। क्लियर? तो देखो अगर मैं आपसे बात करूं टेल स्ट्रोक का मेन फंक्शन क्या है, तो टेल स्ट्रोक का मेन फंक्शन जैसे मैंने बताया आपको कि जैसे जॉब है आपका, कोई वर्क पीस है आपका बहुत बड़ा है, तो वो टेल स्ट्रोक क्या करता है, उसको क्या करता है, बिल्कुल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो मेन फंक्शन अगर बात करूं तो मेन फंक्शन ऑफ टेल स्ट्रोक इज टू सपोर्ट द जॉब। क्लियर? जब आपका रिक्वायर हो, ऐसा नहीं हो हमेशा आपका टेल स्ट्रोक काम में आएगा। तो टेल स्ट्रोक क्या है, मेन फंक्शन ऑफ टेल स्ट्रोक इज टू प्रोवाइड सपोर्ट टू जॉब, जॉब बोल लो वर्क पीस बोलो, इज टू प्रोवाइड सपोर्ट टू वर्क पीस वैन देर इज रिक्वायरमेंट, या फिर आप लिख दो वैन रिक्वायर्ड। अरे चीजें क्लियर है क्या, पॉइंट क्लियर है क्या, सारे पॉइंट लिखवा रहा हूं, बताओ और मुझे बताओ। देखो आप लोग मुझे बताओ, ड्रिलिंग ऑपरेशन हम लोगों ने पढ़ा है, तो टेल स्ट्रोक का काम क्या होता है, ड्रिलिंग ऑपरेशन में भी काम होता है, इसमें ड्रिलिंग टूल हम लोग लगाते हैं टेल में, क्या होता है ड्रिलिंग टूल जो लगता है वो इसमें लगता है, टेल स्ट्रोक में लगता है, टूल पोस्ट में लगता है, टूल पोस्ट में कैसे करोगे आप लोग बताओ। क्लियर? तो इसका आपका क्या है, टेल स्ट्रोक का काम क्या होता है, ड्रिलिंग ऑपरेशन भी क्या करता है, ये करता है। तो इट इज ऑल्सो यूज फॉर टू परफॉर्म ड्रिलिंग मशीन, ये भी आप लोग पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज टू परफॉर्म ड्रिलिंग ऑपरेशन, ठीक है, चीजें क्लियर है? सर कॉन्ट्रास्ट लेवल बहुत ज्यादा है, कोई बात नहीं, आज कर लो, कल कर देंगे, टेंशन मत लो आप, है ना। ठीक है, चले। ये देखो मनीष जी, मीना जी पूछ रहे हैं मैकेनिक्स कब पढ़ाओगे। देखो ऐसे कोई सिलेक्शन होगा कि सामने चल रहा उस पर ध्यान दे रहे, मैकेनिक्स कब पढ़ाओगे यार, क्या करोगे आप, वैसे सिलेक्शन नहीं ले रहे आप लोग, क्या करोगे मैकेनिक्स पढ़ के। तो पहले ही ये पढ़ा रहा हूं, जब मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि मैकेनिक्स कब होगा, जब लास्ट में पूरा सिलेबस हो जाएगा मैकेनिक्स जो बचा हुआ करा दूंगा। चले नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डालेंगे वेज, नेक्स्ट हेडिंग आप लोग क्या डालेंगे, वेज डालेंगे। देखो वेज को हिंदी में क्या बोलते हैं, रास्ता होता है ना, तो जैसे मैंने वेज बताया रेल के पटरी जैसे बताया था, तो वही आपका क्या वेज। तो अगर मैं आपसे बात करूं वेज का बात क्या होता है, तो देखिए जो टेल स्ट्रोक आपका चलता है ना, टेल स्ट्रोक और कैरिज जो चलता है, मैंने आपको बताया जो कैरिज चलेगा या टेल स्ट्रोक चलेगा वो किस पे चलेगा, वेज पे चलेगा। तो ये प्रोवाइड क्या करता है कि आपका जो डायरेक्शन हो बिल्कुल एक्यूरेट डायरेक्शन हो, ऐसे नहीं बिल्कुल नीचे उतर जाए। तो वेज क्या होता है, प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि इसको कैरिज
सॉरी कैरिज और टेल स्ट्रोक के मूवमेंट के दौरान बताइए, तो मैं लिख सकता हूँ कि टेक केयर ऑफ मूवमेंट ऑफ टेल स्ट्रोक एंड कैरिज ऑन बेड, बताइए इट टेक केयर ऑफ, ध्यान रखता है, इट टेक केयर ऑफ मूवमेंट ऑफ कैरिज एंड टेल स्ट्रोक। अरे पॉइंट सही है क्या इसके बारे में, बताओ वापस बताऊं कि वेस क्या होता है। देखिए आप लोग, मैंने पटरी बताई थी, नहीं बताई थी, ये आपका वेस क्या ही है, ठीक है, लिखा भी था मैंने वेस, तो इस पे चलता आपका, आपका क्या हो, चाहे कैरीज हो चाहे आपका टेल स्ट्रोक हो, इस पे चलता है। चले आगे, देखो थम्स अप करते रहो जिससे चीज़ें समझ में आती रहे, पता ही नहीं चलता ये कौन से बच्चे देखने आ गए, डायग्राम देख के देखने आ गए क्या हो गया, है ना। तो अब बात करते हैं कैरीज क्या होता है, तो कैरीज देखो बहुत आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, कैरीज के बारे में हम लोग बात करते हैं, चर्चा करते हैं। कैरीज आप लोग लिख लेंगे कैरीज, तो बताओ कैरिज के बारे में मैंने क्या बताया, कि टूर पोस्ट कैरिज पे लगा होता है कि बिल्कुल लगा होता है, क्या आपकी मैंने क्रॉस स्लाइड बताई थी वो भी कैरिज पे होती की होती है। तो देखो कैरिज पहले बात करते हैं, ये होता क्या है, कहाँ पर है, इसके लोकेशन क्या है, तो ये हेड स्ट्रोक और टेल स्ट्रोक के बीच में होता है। तो पहला पॉइंट तो आप लोग ये लिखेंगे, इट इज सिचुएटेड बिटवीन हेड स्ट्रोक एंड टेल स्ट्रोक, क्या पहला पॉइंट ये सही है क्या, बताओ, क्या हेड स्ट्रोक एंड टेल स्ट्रोक के बीच में हम लोग इसको क्या करते हैं, रखते हैं। अब आप लोग मुझे बताइए इसका फंक्शन क्या है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया जो टूल पोस्ट होता है ना, टूल पोस्ट वो किस पे होता है, आपका कैरिज पे होता है, तो टूल पोस्ट को ये क्या करता है, ऊपर या नीचे करता है, क्लियर। अरे बताइए अगर मैं बात करूँ टूल पोस्ट को पकड़ने का काम कौन करता है, टूल पोस्ट को पकड़ने का काम कौन करता है, कैरिज करता है, क्लियर। तो लिख दो इधर, इट इज यूज टू होल्ड टूल पोस्ट एंड मूव इट टू हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकल। देखो बोलने का मतलब क्या, ध्यान से समझो आप लोग, देखो यार डायग्राम में बताता हूँ, ध्यान से समझिए प्लीज। ये आपका दिख रहा है, ये कैरिज दिख रहा है, ये पूरा का पूरा क्या कैरिज है, दिख गया। तो इस कैरिज के ऊपर क्या लगता है, ये दूसरा डायग्राम देख लो, ये वाला देख लो, इसमें अच्छे से समझ में आएगा। ये आपका क्या है, देखो खुद को नहीं दिख रहा इतना पास से, कहाँ गया आपका कैरिज, देखो ये आपको दिख रहा है कैरिज, आप देखो ये दिख रहा है पूरा का पूरा क्या कैरिज है। देखो ये क्या करता है, टूल पोस्ट है ना, जो टूल पोस्ट है, दिख रहा है आपका टूल पोस्ट, बोलो हाँ या ना, तो इसको ये तो हॉरिजॉन्टल मूव करवाता है, या फिर इसमें क्या होता है जब हम लोग इसको घुमाएंगे कैरिज को, ये तो ये ऊपर नीचे भी होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, बात समझ में आ गए। देखो अगर आपको टूल को थोड़ा सा अंदर डालना है, वर्क पीस में थोड़ा सा अंदर डालना है, उसके लिए क्रॉस स्लाइड यूज होगी, ध्यान से समझिए। लेकिन यदि आपको हॉरिजॉन्टल लेके जाना है या वर्टिकल लेके जाना है, उसके लिए हमारा क्या यूज होगा, आपका कैरिज यूज होगा। चीजें क्लियर है, तो इसमें लिख दीजिए, सॉरी इसमें मैं लिख दिया कैरिज के बारे में क्या, इट इज यूज टू होल्ड टूल पोस्ट एंड मूव इट टू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। ध्यान रखिए अगर इसको आगे लेके जाना टूल को, इसके लिए हम लोग क्रॉस स्लाइड यूज करेंगे। चीजें क्लियर है, बताओ। बात करते हैं कैरिज चलता किस पे है, तो कैरिज आपका किस पे चलता है, इट स्लाइड्स ऑन गाइडवेज पे ये चलेगा, किस पे चलेगा, गाइडवेज पे चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखे हम लोग कैरिज के बारे में, क्या मैं लिख सकता हूँ, जो कैरिज होता है अगर मैं इसके मटेरियल की बात करूँ किसका बना रहता है, तो ये कैरिज भी आपका किसका बना रहता है, कास्ट आयरन का बना रहता है, तो कैरिज इज मेड बाय कास्ट आयरन, ये आप लोग लिख सकते हो कास्ट आयरन का ये बना होता है, क्लियर। तो किस किस की हम लोगों ने बात करी, हेड स्ट्रोक की बात करी, बेड की बात करी, टेल स्ट्रोक की बात करी, वेस की बात करी, कैरिज की बात करी, तो नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डालेंगे टूल पोस्ट, क्लियर। देखो टूल पोस्ट की बात करेंगे, देखो बात करते हैं आपका टूल पोस्ट होता किस पे है। देखो बेड के ऊपर आपका क्या है, जो बेड है, सॉरी जो आपकी जो
क्या है, गाइड वेज है। गाइड वेज के ऊपर कौन चलता है, आपका कैरी चलता है। कैरीज के ऊपर कौन है, आपका टूल पोस्ट है। तो अगर मैं बात करूं टूल पोस्ट होता कहां, तो ये कहां पर बोल्टेड होता है, इट इज बोल्टेड ऑन कैरीज, मतलब कैरीज के ऊपर कसा होता है, इट इज बोल्टेड ऑन कैरीज। टू ऑल ही हॉरिजेंटल टू होल्ड टूल, टूल इज मेड बाय हाई कार्बन स्टील। ये सर सीबीटी 70 मार्क्स पर हो जाएगा क्लियर, अगर सब हो जाएगा तो पढ़ाई पे ध्यान लगाओ, कैसे बच्चों ऐसे क्वेश्चन पूछते हो आप लोग बताओ। ठीक है, बात कर रहा हूँ टूल पोस्ट का काम क्या। देखो टूल पोस्ट का अगर मैं मेन काम की बात करूँ, टूल को है ना एक राइट पोजिशन में करेक्ट पोजिशन में होल्ड करके रखना। अगर टूल पोस्ट आपका बिल्कुल, अगर देखो टूल आपका करेक्ट पोजिशन में नहीं रहेगा तो आप लोग मुझे बताइए चीज़ हो पाएगी। तो टूल पोस्ट क्या रखता है, उसको करेक्ट पोजीशन पर होल्ड करके रखता है। तो टूल पोस्ट के लिए क्या मैं बोल सकता हूँ, क्या यूज टू होल्ड वर्क पीस, होल्ड टूल एट करेक्ट पोजीशन। ठीक है, टूल पोस्ट दिखाता हूँ आपको, टूल पोस्ट दिखा दूँ, थम्स अप करो। तो ये आपका टूल पोस्ट है, ये दिख रहा है। तो देखो ये टाइट टाइट करके टूल है ना एक करेक्ट पोजीशन पर रहता है। अगर ये आपका टूल पोस्ट नहीं होता तो किससे पकड़ के रखते हैं हम लोग, हाथ से थोड़ी पकड़ते हैं। तो टूल पोस्ट का मेन काम क्या है, आपका जो टूल होता है उसको करेक्ट पोजीशन बनाए रखता है। चीज़ें क्लियर है क्या, चले क्या आगे बताओ। ये आपका था कैरीज, ये दिख रहा है आपको, ये था आपका कैरीज। देखो क्या कैरीज के ऊपर आपको टूल पोस्ट दिख रहा है क्या, ये अरे टूल पोस्ट दिख रहा है क्या, अरे कैरिज के ऊपर आपको टूल पोस्ट दिख रहा है क्या, जल्दी से मुझे बताओ। तो इसको हम लोग अगर ऐसे घुमाएंगे तो ये आगे पीछे सब हम लोग इसकी मोशन को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल हम लोग कर सकते हैं। चीज़ें क्लियर है, और आपको ये दिख रहा है ये आपकी क्या होती है क्रॉस लाइट्स होती है, क्या होती है क्रॉस लाइट्स, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। बताओ अरे चीजें समझ में आ रही है कि थम्स अप तो करो, डायग्राम से समझ में आ रही नहीं आ रही। गेट क्लास कब से स्टार्ट होगा, अरे पहले आरआरबी जे तो बन लो, गेट क्या करोगे। देखो कई बार ऐसा होता है, ऐसा मन करता है क्लास बीच में छोड़ दूं मैं। चले आगे, तो टूल पोस्ट की बात हो गई, अब हम लोग बात करते हैं जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, वो होता है आपके क्रॉस लाइट। तो हेडिंग आप लोग डालेंगे क्रॉस लाइट, ठीक है, हेडिंग आप लोग क्या डालेंगे क्रॉस लाइट। देखो जैसा कि मैंने आपको बताया क्रॉस लाइट के लिए क्या होता है, देखो अगर आपका टूल को अगर इस डायरेक्शन में मूव करवाना है आपको, या फिर मैं बोलूँ आपको कि आपका ट्रांसवर्स डायरेक्शन में अगर आपको मूव करवाना है, ठीक है, क्योंकि अगर इसको मैं लॉन्गिट्यूडनल नाम दूँ, इसको ट्रांसवर्स नाम दूँ, तो क्रॉस लाइट को मैं क्या बोलूंगा कि माउंटेड ऑन ट्रांसवर्स लाइट ऑफ कैरिज, ठीक है, माउंटेड ऑन ट्रांसवर्स स्लाइड, मतलब जो स्लाइड कैरिज के जो इस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं, तो माउंटेड ऑन ट्रांसवर्स स्लाइड ऑफ कैरिज। ठीक है, अब आप लोगों मुझे बताइए क्या इसका वर्क पीस में डेप्थ में या फिर वर्क पीस में पेनिट्रेशन का कुछ रोल है क्या क्रॉस स्लाइड का, बताइए कुछ रोल है क्या थोड़ा सा भी। तो देखो क्रॉस स्लाइड का बताओ क्या यूज हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया कैरीज में आपको कहते हैं व्हील लगा होता है, अगर आप लोग व्हील को अगर मूव करेंगे तो क्रॉस स्लाइड क्या होती है अंदर बार होती है, तो क्रॉस स्लाइड अंदर बार होती है तो उसका यूज क्या हो सकता है, कि हम बोल सकते हैं यूजेस हैंड व्हील टू फीड इन टू वर्क पीस, बताइए यूजेस हैंड व्हील का यूज करके यूजेस हैंड व्हील टू फीड इन टू वर्क पीस। चले आगे, तो ये बात किसकी हो गई क्रॉस स्लाइड की हो गई। अब अपनी जो नेक्स्ट बात बची है वो किसकी बची है, तो हेडिंग आप लोग डालेंगे लीड स्क्रू। तो देखो अगर मैं आपसे बात करूं लीड स्क्रू होता क्या, देख लीजिए पहले इधर ही,
इसमें नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं है। इसमें लीड स्क्रू दिख रहा है क्या किसी को, बताओ? लीड स्क्रू दिख रहा है आपको? ये देखो लिख रखा है लीड स्क्रू, ये आपको दिख रहा है? ये थ्रेडेड आपकी क्या रोड दिख रही है? थ्रेडेड रोड, ये थ्रेडेड रोड, ये थ्रेडेड रोड दिख रही है क्या लीड स्क्रू वाली? अरे कैरी जो चल रहा है, कैरी बेसिकली इस पर भी चलता है, तो आपको लीड स्क्रू दिख रही है क्या? थ्रेडेड आपको रोड दिख रही है क्या? बताओ ये थ्रेडेड रोड, ये वाली, ये वाली। चलो इसमें दिख रही, दूसरे डायग्राम में बताता हूँ। अरे क्या आपको ये थ्रेडेड दिख रही है? थ्रेडेड, ये थ्रेडेड रोड दिख रही है, ये वाली देखो, ये वाली, ये क्या आपका लीड स्क्रू? और दिखाऊं? अरे मुझे ये बताइए, ये थ्रेडेड दिख रही है? थ्रेडेड, ये थ्रेडेड बताइए, ये आपकी क्या लीड स्क्रू है? और नीचे वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? बेड बोलेंगे। पूरा वाला जो नीचे वाला पार्ट है ना, ये क्या आपका बेड है? देखो मैं जो बेड वाला पार्ट है ये आपको ब्लू कलर से बताता हूँ, ये वाला, ये पूरा क्या आपका बेड है, ठीक है? टेल स्ट्रोक क्या है, मैं इसको रेड कलर से दिखाता हूँ, ये आपका क्या है? पूरा का पूरा टेल स्ट्रोक है, ठीक है? आप लोग मुझे एक चीज बताइए, क्रॉस लाइट दिख रहा है? ये क्रॉस लाइट देखो, ये वाला क्रॉस लाइट क्यों? ये आगे और पीछे ऐसे जा सकती है। चीजें समझ में आ रही क्या? बोलिए आप लोग मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं हेयर स्ट्रोक, तो हेयर स्ट्रोक आपको दे रखा होगा। अभी इस हेयर स्ट्रोक में मैंने आपको बताया डिफरेंट डिफरेंट गियर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पुलिस होती है, तो इसकी स्पीड भी आप लोग क्या कर सकते हो? कंट्रोल कर सकते हो। आगे क्या होते हैं? ये आपके लीवर्स की सहायता से। क्लियर? ये आपको दिख रहा है कि ट्रेन की पटरी जैसे कुछ चीज दिख रही है, क्या आपको वेज है? इस पर आपका चलता है। अरे चीजें समझ में आ रही नहीं आ रही, बताओ? ठीक है, तो ये आपको मैंने किसके बनाया इसका बताया, तो हेडिंग एक बार आप लोग डाल लेंगे लीड स्क्रू। लीड स्क्रू का देखते हैं क्या काम होता है लीड स्क्रू का, तो हेडिंग आप लोग समझ लेंगे। लीड स्क्रू हेडिंग आप लोग डालो, तो लीड स्क्रू क्या है? अगर मैं बेसिकली बात करूं तो क्या एक थ्रेडेड रोड है? क्या एक थ्रेडेड रोड है? तो अगर मैं आपसे बात करूं लीड स्क्रू की, बेसिकली क्या है? एक थ्रेडेड रोड है, सिंपल सी बात है, जो किस पे लगी हुई है? बेड पे लगी हुई है। तो लॉन्ग थ्रेडेड रोड ऑन बेड, बताओ दूसरा पॉइंट इसमें क्या लिखे है? लीड स्क्रू में जैसे कि मैंने आपको बताया थ्रेडेड है, तो ये देखो आपका जो कैरिज होता है ना, इसको ऑटोमेटिक फीड प्रोवाइड कर सकता है लीड स्क्रू। क्योंकि देखो एक चीज मुझे बताओ, क्या लीड स्क्रू आपकी ऐसी है क्या? कुछ ऐसी है क्या, बताओ थ्रेडेड में? तो अगर ये आपका, एक तो देखो आपकी शाफ्ट एक ऐसी शाफ्ट है, प्लीज एक बार समझो, एक तो आपकी ऐसी है सिंपल, और एक आपकी क्या थ्रेडेड है। अगर ये घूमेगी, इसके ऊपर कुछ चीज माउंट है, अगर ये घूमेगी तो क्या चीज आगे पीछे होगी क्या? अरे ये आपका ऐसे मोशन कर सकता है क्या अगर ये चीज घूम रही है तो? नहीं। अगर कोई चीज इस पे, जैसे मान लो कैरिज आपने इस पे माउंटेड करा, तो अगर ये ऐसे मूव करेगा तो क्या आपका कैरिज आगे चलेगा क्या? क्योंकि जो भाई अगर ये मूव करेगा तो इसकी ये वाली पिच आगे आएगी, ये वाली पिच और नीचे आएगी, तो क्या ये मूव करेगा क्या? तो मुझे बताओ लीड स्क्रू का एक फंक्शन क्या हो सकता है? क्या मैं बोल सकता हूँ इट प्रोवाइड्स एन ऑटोमेटिक फीड टू कैरिज? बताइए, ऑटोमेटिक फीड प्रोवाइड कर सकता है क्या लीड स्क्रू? तो बिल्कुल कर सकता है। तो आप लोग लिख सकते हैं दूसरा पॉइंट, इट प्रोवाइड्स ऑटोमेटिक फीड टू कैरिज, ठीक है? चीजें क्लियर है, दूसरा पॉइंट समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो आपका जब भी वर्क पीस है, अगर उसमें आपको थ्रेड बनाना है, वर्क पीस में यदि आप लोगों को क्या करना है, थ्रेड करना है, तो इसका लीड स्क्रू का हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यूज फॉर प्रोवाइडिंग, क्योंकि उस हिसाब से आगे पीछे उसमें थ्रेड बना देगा, यूज फॉर प्रोवाइडिंग थ्रेड्स। तो आप लोग मुझे बताइए क्या सारी चीजें समझ में आई? थम्सअप कर दो एक बार। सारे हेयर स्ट्रोक क्या होता है, चक क्या होता है, बेड क्या होता है, चीजें समझ में आई? थम्सअप करो एक बार। अरे थम्सअप करिए प्लीज, प्लीज थम्सअप करिए, चीजें समझ में आई अच्छी क्लास, बताओ। अब एक लास्ट पार्ट बचा है इसका, लेग। लेग क्या होता है, टांगे क्या होता है, आप मुझे खुद बता रहे हो। टाइम लेड स्क्रू हैज एक्मेटेड, बिल्कुल।
तो देखो लेग्स क्या होता है, लेग्स क्या होता है, बिल्कुल इसका जो नीचे वाला पार्ट है, टांगे जिसको बोलते हैं लेग्स, तो क्या होता है पूरा का पूरा जो होता है आपका वो मैकेनिकल वाइब्रेशन से बचाता है, क्योंकि ड्यूरिंग दी आपको पता है मशीनिंग आपके वाइब्रेशन होंगी, तो उससे क्या करता है लेग्स क्या करते हैं आपके वाइब्रेशन से आपको बचाती है। क्लियर? तो अब देखिए लेंथ वाला आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपके सिलेबस में एक चीज और देखिए, टाइप्स ऑफ लेंथ। तो टाइप्स ऑफ लेंथ में कुछ भी नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा कुछ भी नहीं, डिफरेंट डिफरेंट लेंथ में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। तो लेंथ वाला पार्ट अपना क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। कल से जो हम लोग पढ़ेंगे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल हम लोग पढ़ेंगे। चीजें क्लियर है क्या? सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, टाइप्स ऑफ लेंथ में एक बार देख लो, फिर आप लोग कमेंट करके बोलोगे ये नहीं कराया वो नहीं कराया, खुद से तो कुछ मेहनत होती नहीं आपसे। ठीक है, तो देखो डायग्राम एक बार फिर रिपीट करता हूँ आपका। ये क्या होता है, लेफ्ट में होता है आपका हेड स्ट्रोक, हेड स्ट्रोक से क्या कनेक्टेड होता है, चक होता है, चक में क्या होल्ड होता है, वर्कपीस होता है। क्लियर? ये आपका क्या है जो इधर उधर चल रहा है आपका, क्या होता है कैरिज होता है। कैरिज किस पे चलता है आपका, वेस पे चलता है, गाइड वेस पे चलता है। राइट में क्या होता है, टेल स्ट्रोक होता है। टेल स्ट्रोक में जो आपका पॉइंट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेड स्ट्रोक बोलते हैं, डेड सेंटर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो यदि आपका जो शाफ्ट यदि बड़ी हो तो उसको जस्ट सपोर्ट करने के काम में आता है। चीजें क्लियर है यहां तक? बताइए कोई प्रॉब्लम? लीड स्क्रू क्या होता है, अगर आपके कैरिज को ऑटोमेटिक आपको फीड देनी है, क्या करनी है, ऑटोमेटिक फीड देनी है, तो आपका ये जो लीड स्क्रू है वो घूमेगा और कैरिज अपने आप आगे पीछे चलता रहेगा। चीजें क्लियर? चले आगे नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करते हैं। तो यहां पर भी मैंने आपको बताया, देखो ये आपका क्या होता है, ये नीचे वाला पूरा पार्ट क्या बेड है, बेड के ऊपर क्या लगा था, कैरिज लगा होता है। कैरिज के ऊपर आपका क्या टूल पोस्ट है, क्रॉस स्लाइड है। अब आप लोग देखेंगे ये इसको लाइव सेंटर बोलते हैं, इसको डेड सेंटर बोलते हैं। इसको डेड सेंटर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका जस्ट काम क्या है, अगर वर्क पीस आपका बड़ा हो, जॉब आपकी बड़ा हो, तो उसको सपोर्ट करना। इसमें क्या होता है, स्पीड हम लोग चेंज भी कर सकते हैं चक की। क्लियर? चक जो स्पिंडल की स्पीड में लोग चेक कर सकते हैं, सॉरी चेंज कर सकते हैं कि किस स्पीड से घुमाना, कम करना है, ज्यादा करना है। ध्यान रखेंगे चक आपके दो टाइप के होते हैं, थ्री जो चक, फोर जो चक। इसके बाद में यदि मैं बात करूं कैरिज, कैरिज आपका इधर उधर क्या करेगा, मोशन करेगा। ये आपका क्या लीड स्क्रू है। यदि आप लोग इसको ऑटोमेटिक फीड देना चाहते हो तो आप लोग इधर उधर जा सकता है बस लीड स्क्रू के सहायता से। क्लियर? ये आपका क्या होता है, टूल पोस्ट होता है जिसमें टूल फिट होता है, क्रॉस स्लाइड से अंदर बाहर ये कर सकता है। चीजें क्लियर? चले आगे, आगे चलते हैं। ये आपको सारा दिख ही रहा होगा। क्लियर? तो वही चीजें, हेड स्ट्रोक, वेज वगैरह सारी चीजें। देखो एक और एक पार्ट आता है, चिप पैन बोलते हैं इसको ना, कई जगह ट्रे लिखा होता है, ट्रे। ये दिख रहा है, ये वाला पार्ट दिख रहा है क्या, बताओ ये वाला पार्ट दिख रहा है क्या, ये पूरा, ये क्या होती है आपकी ट्रे होती है। जो भी चिप्स निकलती है ना इसमें क्या होती है, स्टोर हो जाती है, इसमें क्या होती है, स्टोर हो जाती है। जो भी आपकी मशीनिंग होती है, जो चिप होती है ना इसमें गिर जाती है, इसमें इसको बोलते हैं चिप पैन, या फिर आप लोग कई जगह ट्रे भी लिखा रहता है। तो ये आप लोग ये चीज ध्यान रखेंगे, ये डायग्राम मैंने आपको बताई दिया। अब देखो एक चीज आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो आपका ये स्पिंडल होता है ना, ये मूव नहीं करता, इसका यहाँ पे स्पिंडल क्या होता है, मूव नहीं करता। चले आगे, थोड़ी सी बात आगे, हेड स्ट्रोक मैंने आपको बता दिया पूरा ब्लर करके, ये लेफ्ट वाला पार्ट क्या आपका हेड स्ट्रोक है, इसके अंदर क्या कर सकते हैं आप लोग, स्पिंडल की जो स्पीड है वो चेंज कर सकते हैं। ये आपका पूरा राइट वाला मैंने आपको बताई दिया। ये आपका क्या है, चक है। इसके बाद में क्या है, ये सारी चीज़ हम लोग बात कर चुके हैं। ये आपका टेल स्ट्रोक है। देखिए इसमें एक चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, क्या कि क्रॉस स्लाइड आपको कैसे होता है, ये ऐसे होता है चीज़ है। अगर वर्क पीस आपका बड़ा है तो उसको होल्ड कर रहा है, ये चीज़ें क्लियर है क्या, वर्क पीस को क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। ये आपकी वेज है, इस पर आपका क्या होगा, टेल स्ट्रोक आपका क्या करेगा, ये कैरिज क्या करेगा, आपका मूव करेगा। चीज़ें क्लियर है? इस पूरे नीचे वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, बेड बोलेंगे। बेड किसका बना होता है, कास्ट आयरन का बना होता है। क्यों? क्योंकि इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है, ज़्यादा होता है। ये पूरा लेफ्ट वाला पार्ट कौन सा है आपका, हेड स्ट्रोक है। इसमें क्या लगा होता है, आपका स्पिंडल होता है, चक होता है, ये जो घूमता है इसमें क्या होता है, किसको होल्ड करता है, वर्क पीस को होल्ड करता है। चीज़ें क्लियर? चले आगे बताओ, ये आपका टेल स्ट्रोक है, ये आपका वेज है। ये मैंने आपको बताया, देखो दिख रहा है, ये लीड स्क्रू दिख रहा है, ये वाला, ये आपका लीड स्क्रू है। ये पूरा का पूरा क्या है आपका, ये कैरिज है। इसके अब बात करें टूल पोस्ट, टूल पोस्ट का काम क्या है, टूल को होल्ड करना करेक्ट पोजीशन में। ये आपका क्या है, क्रॉस स्लाइड, अंदर बार। ये आप लोग यहाँ से घुमाओगे ना तो आपका बाहर अंदर बार ऐसे आता रहेगा। चीज़ें क्लियर? चलिए आगे, इसके बारे में हम बात करते हैं लीड स्क्रू। तो देखो लीड स्क्रू दिख रहा है, ये आपका लीड स्क्रू होता है। ये किसके लिए काम होता है, ऑटोमेटिक फीड को प्रोवाइड करने के लिए। चीज़ें क्लियर? अब टाइप्स ऑफ लेंथ की बात करते हैं। तो देखो ये आप लोगों को बस रीडिंग करना है, इसको मैं ज़्यादा समझाने वाला नहीं हूँ। तो देखो एक तो आपकी बेंच लेंथ होती है, मैंने आपके लिए पॉइंट लिख दिया है। तो एक तो आपको ये देखना है, कुछ भी नहीं है जो समझाने वाली बात की मैंने बता दिया। अब कुछ भी नहीं है, जैसे मैंने आपको टूरेट लेंथ कहाँ पर यूज़ होती है, जब अपन मास प्रोडक्शन मतलब बहुत ज़्यादा मशीनिंग करनी होती है, मास में करनी होती है, उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, टूरेट आपकी क्या होती है, लेंथ। तो ये स्पीड लेंथ आप लोग मुझे बताओ, थोड़ी सी रीडिंग कर लोगे क्या, ये मैंने पॉइंट बना दिए। एक इंजन लेंथ आपका, अरे चीज़ें क्लियर है क्या, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगी। ये आपका कैस्टर है, टूरेट लेंथ, जैसे मैंने आपको बोला कि मास प्रोडक्शन में ये काम में आती है। चीज़ें क्लियर है? तो बेसिक चीज़ तो जो मैंने आपको बताई वो सब में क्या है, कॉमन है, ऑटोमेटिक लेता है आपकी ये चीज़ है। तो फ्रेंड्स सेशन को आज हम लोग इतना ही रखते हैं।
ये जो चीज थ्योरी वाली थी इसलिए मैंने आपको पॉइंट्स बना के दे दिया, आप लोग खुद देख सकते हैं। बाकी इतनी चीज इससे पूछता नहीं है, जो मेन चीज है पार्ट से पूछता है कि हेड स्ट्रोक का काम क्या होता है, टेल स्ट्रोक का क्या होता है, आपके फीड का काम क्या होता है, वेस्ट का काम क्या होता है, क्रॉस लैड का काम क्या होता है, आपके कैरिज का काम क्या होता है, टूल पोस्ट का काम क्या होता है, सारी चीजें, बेड का काम क्या होता है। तो कल हम लोग पढ़ेंगे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। क्या पढ़ेंगे? सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। और जिन्होंने अभी तक प्लस सब्सक्रिप्शन ज्वाइन नहीं करा है, प्लस सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करने वाले हैं, तो वाई फाई स्टडी रेफरल कोड जरूर यूज करें टू गेट 10% डिस्काउंट इंस्टेंटली। क्लियर? तो कल मिलते हैं, आज के लिए इतना काफ़ी है। वीडियो को लाइक करो, और लाइक करने में यार कमी मत रखा करो, ऐसे डिसलाइक करके चल जाता है। इतनी मेहनत करके आपके सारे पॉइंट्स बनाते हैं, सारे लिखवाते हैं, उसके बावजूद ये हाल आप लोगों का। ठीक है, तो थोड़ा सा लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा आप लोग शेयर करा करो। ठीक है, मज़ा आया बिल्कुल। अभी टाइम है अपने पास 2-3 महीने, ढंग से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। और आप जानते हैं कि जैसे वाई फाई स्टडी 2.0 है, वो अपना ही एक चैनल है वाई फाई स्टडी का, तो आने वाले टाइम में हो सकता है कुछ क्लासेस उधर भी लगे, तो आप उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। वाई फाई स्टडी 2.0 अपना ही चैनल है, पूरा वाई फाई स्टडी परिवार का ही है। तो कुछ क्लासेस कुछ बिजी शेड्यूल होने की वजह से उस जगह भी चल सकती है, तो आप उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं कल, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।